हाय गाइस, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आज मैं जा रही हूँ एक्सप्लोर सर बाज़ार मार्केट, तो मैं वहाँ जाने के बाद वीडियो कंटिन्यू करूँगी, तो आप वीडियो में बने रहें। और आपको दिल्ली में कहीं भी जाना है मेट्रो से तो इसको फॉलो करिएगा। कोई भी मार्केट, कोई भी प्लेस आप जा सकते हैं। तो हम लोग एक ये होलसेल दुकान में गए थे, ये अंडरवेयर और मतलब लेडीज़ का सब था, तो हमें कुछ समझ नहीं आया। यहाँ 150-150 रुपये में बैग्स मिल रहे थे, तो उतना कुछ खास नहीं था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर यहाँ आपको चूड़ा मिल जा रहा था रिटेल दाम में, आपको 250-300 में। आप ऐसे देखोगे तो 500-600 लगते हैं, लेकिन आप होलसेल में लोगे तो और भी सस्ता मिल जाएगा। तो आप आगे आगे वीडियो देखते रहिए, मैं क्लिप डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा था इसलिए मैं अपना वॉइस ओवर दे रही हूँ। ये स्टोर जो था, यहाँ पूरा पार्लर का और ब्राइडल ज्वेलरी पूरा मिल रहा था होलसेल दाम में। तो यहाँ स्टार्टिंग था 1500 से ब्राइडल ज्वेलरी, बहुत अच्छा अच्छा था। तो फिर मैं सोची कि चलो और भी कहीं देख लेंगे, तो यहीं से बस दाम पूछे और फिर मुझे थोड़ा लगा महंगा, फिर हम वहाँ से निकल चुके थे। लेकिन ठीक था, लेकिन मुझे और भी सस्ता जाननी थी कि और कितने सस्ते मिल सकते हैं। फिर ये आप अंगूठी देख रहे हैं ना, गोल्ड से कम नहीं है। आप पहनोगे ना तो पूरा गोल्ड जैसा दिखता है। तो ये मात्र 60 रुपीज़ की थी, तो मैं ये लड़के लोगों की थी तो मैं अपने हस्बैंड को पहना के दिखा रही थी। फिर यहाँ मार्केट में आपको हर कुछ मिल जाता है, जैसे आप शादी रिलेटेड मतलब हर कुछ होलसेल में आपको रिटेल दोनों ही मिल जाएंगे, लेकिन बेसिकली ये होलसेल है। आप मतलब इस मार्केट में ज़्यादा जाएंगे ना तो यहाँ एक पीस बहुत कम लोग सेल करते हैं। जो मार्केट के बीच में छोटे छोटे स्टॉल लेके बैठे हैं ना, वो लोग सेल करते हैं अंदर से ही लाके। जैसे ये 100-100 रुपए की सेट थे, आप देखिए। आप देखते हैं ना कि हर जगह मतलब हर जगह हर सिटी में 30-30 रुपए में कान में का जो लेडीज़ लोग बेचते हैं, जेंट्स लोग देखोगे ट्रेन में, हर जगह देखोगे ना एक 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 स्टॉल लगा देते हैं 30-30 रुपए करके या 100-100 रुपए करके। पता है ये सब कान में का ना होलसेल प्राइस है 20 रुपीज़, और जो बड़े बड़े झुमके टाइप के आते हैं ना वो सब होते हैं 40-45-50 के अंदर के होते हैं, लेकिन ये लोग 100-150 में सेल करते हैं। इतना मार्जिन है ना, आप चाहते हो कि आप कॉस्मेटिक या ज्वेलरी कुछ भी ऐसा खोलना, समझ लो इसमें 50-60-70% मतलब प्रॉफिट है, तो आप कर सकते हो। देखिए यहाँ मैंने एक अपने आपको पता ही होगा कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं अपने ब्राइडल लुक के लिए ले रही थी ये सब। तो ये सब देखो मतलब मार्केट में 600-400-500 ऐसे मिलते हैं, ये मात्र 250 के थे, 60 रुपए के थे, मतलब ऐसे ऐसे करके थे, मतलब बहुत कम में। मतलब जो मार्केट में 150 में सेल होते हैं ना वो मात्र 60 रुपए में हो रहा था। तो देखिए आप वीडियो में आगे बने रहिए, बहुत इंटरेस्टेड चीज़ आपको दिखेंगे आगे आगे। तो यही सब जो कान में का है ना आप देखिएगा, एक बस हम उठा के दिखाते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है सब कलेक्शन दिखाना। तो ये सब 20 रुपीज़ के थे होलसेल प्राइस, और ऐसे तो मार्केट में 30-30 रुपीज़ करके सेल हो जाते हैं, कुछ कुछ 50 के भी होते हैं। ये पूरा मतलब वो डायमंड टाइप था इसका लुक, तो अच्छा लग रहा था। फिर ये मंगलसूत्र का पूरा था, और फिर यही सब था। और देखिए वीडियो में बहुत कुछ मैंने कैप्चर किया है जितना मेरे से हो पाया है। फिर मैंने इस दुकान से अपना सब कुछ सामान ली। मैं सब आपका हॉल वीडियो लाऊंगी सब के, कि मैं क्या क्या दिल्ली से शॉपिंग की। एक सिंगल सिंगल भी आते हैं, ये सिंगल सिंगल ही है ना, तीन है ना, तीन में मोटा क्वालिटी है, ये 350 का है।
100 के रेंज में भी आएंगे क्या? पूछो तो। अब पूरा ब्राइडल सेट कितने में कम से कम आ जाएगी? 60 है। होलसेल प्राइस क्या है? ऑक्साइड के होते हैं। देखिए वॉइस में भी वो लोग बोल रहे हैं ये 60-60 रुपए के। ये सब पसंद ब्लैक वाला। चलो देख लेते हैं। नया माल आपको 60 रुपए में मिलेगा। और ये सब बैग ना 1000 के अंदर सब थे रिटेल दाम पे। होलसेल तो मैंने कहीं पूछा नहीं तो मैं नहीं बता पाऊँगी। फिर मैंने एक पूरा बैंगल शॉप में ही चली गई जो होलसेल थे। तो ये सब आप बैंगल्स देख रहे हो ना, मतलब ब्राइडल बैंगल्स जो चूड़ा बोलते हैं, वो सब जो 2500-3000 में आप लोग परचेस करते हैं ना, ये मात्र 800-900 रुपए में होलसेल प्राइस था। मुझे तो चूड़ा पहनना बहुत पसंद है तो मैं ले भी रही थी, लेकिन उसमें क्या है ना, आपको तीनों साइज लेना पड़ेगा, 2-2 से लेके 2-8 तक। तो मैं क्या करूँगी, तो फिर मैंने ली नहीं। फिर ये सब आप डब्बे में ये सब देख रहे हैं ना, ये मात्र 140-160 ऐसे थे पर पीस, लेकिन आपको पूरा एक डब्बा लेना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हो ना सिल्वर वाला, ये मात्र 130 रुपये में थे, 140-130 कुछ था। देखो आप देखिए यहाँ बच्चे लोग शॉप में आ गए। ये सब आप देख रहे हो ना एडी का ब्रेसलेट बच्चे लोगों का, ये मात्र 40-40 रुपए में मिल रहे थे। फिर यहाँ बैंगल्स थे, झुमके थे, ये तो वीडियो लेने मना कर रहे थे, लेकिन फिर मैं रिक्वेस्ट की तो बोले ठीक है ले लो। फिर मेरे चैनल को वो लोग सब्सक्राइब भी किए, थैंक यू सो मच। तो आप देखिए यहाँ भी बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शंस था। हम लोग यहाँ से परचेज भी किए क्योंकि मेरी दीदी का भी शॉप है ना, तो वो बोल रही थी कि चाहिए, तो मैं हम लोग यहीं से ले लिए थे। अच्छा अच्छा कुछ कलेक्शन मिल गया था इसलिए। नाम से नहीं पता। फिर हम लोगों का ये सब खत्म हो चुका था, वो जो भी शॉप का पूरा। फिर हम लोग खिला मतलब मैं कुछ देखी, ज़्यादा मैं देखी नहीं। आप देखो वीडियो में, फिर ये अंकल बोल रहे हैं थोड़ा सा ना बोल रहे। 350 खिलौना लेना है बाबू का। अच्छा जब होगा तब लिए। फिर यहाँ ना भगवान जी का जो कपड़ा मिलता है ना, लल्ला कृष्ण भगवान की, यहाँ मतलब सब कुछ होलसेल। जैसे आप फ्लैग ले लो, झंडा का सब कुछ होता है ना, फिर ये घर में झूमर उमर ये सब मतलब होलसेल मिल रहे थे। जोड़े मात्र 60 रुपये में, ये 260 रुपये का था। आ सोचो ये कितने में मिलते हैं, 120-150 तक लगाते हैं ये सब दिवाली के टाइम में। और ये फूल थे मात्र 8-8 रुपये के, और हम लोग कितने में खरीदते हैं, 20-20 रुपये में। आप समझ रहे हो ना क्या है, किस लेवल का इसमें मार्जिन है। तो वही मैं बोल रही थी कि हाँ मैं लूँगी होलसेल में, क्या लगाओगे? मतलब पहले वो लोग रिटेल दाम बोलते, जब बोलोगे ना आप होलसेल लेना है तो फिर होलसेल। फिर ये शादी ब्याह में जो इंसान पैक करके देते हैं ना, साड़ी वाड़ी सब कुछ, तो ये सब भी मैंने पूछा कि कैसे है, तो ठीक है प्राइस बता रहे थे, उतना याद नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रही हूँ। मैं ये मतलब ऐसे ही कुछ मिल रहे थे, मुझे याद नहीं है, पॉसिबल नहीं होता है गाइज़ हर चीज़ का दाम।
ये एक लेडी बैठी हुई थी, सेट बेच रही थी 250 रुपये में। इसमें कुंदन भी पैटर्न थे, मतलब कुछ कुछ अच्छे थे, कुछ कुछ ख़राब थे। तो 250 रुपये में ठीक ही था, क्योंकि ये सब तो मिलता नहीं है। 250 रुपये में सेट कहाँ मिलता है आजकल। मतलब इस गली में ना, मतलब गंदी गली टाइप का था। इस गली में सब कुछ पार्लर के सामान, स्ट्रेटनर, क्रिम्पल, मतलब सब कुछ मिल रहे थे। मतलब फेशियल का सब कुछ, किड्स, ओथरी का, लोटस, वीएस, मतलब जो भी बड़े बड़े ब्रांड भी थे ना, वो सब भी मिल रहे थे। फिर मैं अपने बाबू के लिए यहाँ से सॉक्स ली। और यहाँ एक सरदार जी एकदम गाजर के हलवे, मूंग के दाल, इतना टेस्टी सेल कर रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से खाए, फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। फिर यहाँ से कपड़े की मार्केट स्टार्ट हो गई। यहाँ होलसेल और रिटेल दोनों ही आप कपड़ा ले सकते हो, लेकिन बस रूट अलग अलग है। यहाँ आपको रिटेल मिलेगी और उस साइड जाओगे तो होलसेल मिलेगी। फिर यहाँ आप जैसे आप चाहते हो ना, कैटरिंग का कुछ बिजनेस करना, या आप कुछ खाने पीने का ही शॉप खोलने जा रहे हो, तो आपको तो बर्तन चाहिए ही, तो आप यहाँ मिल जाते हैं। पहाड़गंज में बहुत अच्छे अच्छे मतलब है यहाँ। तो देखिएगा, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि जाकर पूरा शूट करके आओ अंदर में, तो वो गए थे। इतना प्यारा था ना यहाँ, मतलब इतना मस्त मस्त दिख रहा था ना सब सामान। तो वो बोले कि कर लीजिए वीडियो, और ऐसे यूट्यूब में भी आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे थे ये लोग। कोई कोई तो डायरेक्ट मना करते हैं, नहीं नहीं आप वीडियो नहीं लेंगे, क्योंकि बोलते हैं ठीक है आप कर लो। तो देखिए, हमारा यही शॉपिंग ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट। तो देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।